अगर फाउंडेशन का काम हो चुका है लेकिन फाउंडेशन का काम जो ढलाई जो है कुछ गलत जगह बन चुका है, जहां पे फाउंडेशन बनना चाहिए, जहां पे कॉलम आना चाहिए वहां पे नहीं आकर के कुछ दूसरा जगह बन चुका है, अब क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि उस फाउंडेशन को जेसीबी से उठा करके अपने पोजीशन में लाना, एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट करना? देखिए यहां पे बहुत लोग इस तरह के चीज ट्राई किया गया, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं कि ये दोनों फाउंडेशन जो है अपने लोकेशन से 1 फीट बाहर चला गया था, तो यहां पे जेसीबी लगा करके इसको शिफ्ट किया गया। अब देखिए सबसे बड़ी गलती यहां पे ये हो गई कि कभी भी इस तरह का गलती ना करें कि भाई फाउंडेशन अगर बन गया तो उसको जेसीबी की मदद से शिफ्ट किया जाए। अब यहां पे क्या है, क्योंकि देखिए जब भी कभी हम जब फाउंडेशन बनाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, सबसे पहले नीचे का जो है जो एरिया तो बेस उसको कंपैक्शन करते हैं, फिर बालू भरते हैं, फिर पीसीसी करते हैं, तब जा जैसे कि यहां देखिए जेसीबी से ट्राई किया गया, पहले फाउंडेशन जो है इस लोकेशन में था, फिर जो उधर शिफ्ट करने गया, अब ये टेढ़ा हो गया, नीचे का बेस खोखला बन गया, नीचे कीचड़ आ गया, अब क्या ये रह पाएगा? नहीं, इस कभी भी सेटल हो सकता है, अगर 1 इंच भी सेटल हुआ तो पूरा बिल्डिंग क्रैक हो जाएगा। तो प्रोसेस क्या बता रहा था मैं कि जैसे 3 इंच का बालू भरे, फिर पीसीसी किए, प्लेन सीमेंट कंक्रीटिंग किए, फिर उसके बाद जो है फुटिंग का जाली बांधे, फिर उसके बाद जो है हम जाली बांधने के बाद हम शटरिंग करके कॉलम के साथ केज डालने के बाद जो है ढलाई किए। अब जरा समझिए इतना, अब उसका बेस स्ट्रांग है, अब हमको फाउंडेशन को शिफ्ट करना है इस लोकेशन से उस लोकेशन तक, चाहे 1 फीट हो डिस्टेंस, चाहे 2 फीट हो, चाहे 5 फीट हो, जितना भी डिस्टेंस, तो कभी भी शिफ्ट नहीं करना चाहिए। शिफ्ट करेंगे तो पहला तो उसका जो है जो जिस फाउंडेशन जो उखड़ेगा ऊपर तो क्या करेगा, पीसीसी को लेके उखाड़ेगा अपने आप को, तो नीचे क्या है पीसीसी के नीचे उबर खाबर रहेगा, कुछ पीसीसी उसके साथ उखड़ेगा, कुछ पीसीसी नहीं उखड़ेगा। अब उसको आप चाह रहे कि भाई किसी अलग जगह दे दे, तो उसका बेस क्या हो गया, उबर खाबर हो गया, ऊपर नीचे हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में जो है आपका पहला तो अगर आप ऐसा किए हैं तो कभी मत कीजिएगा, अब उसका बेस ही प्रॉपर नहीं मिला, जब उसके ऊपर आप जो है बिल्डिंग का लोड आएगा, डेड लोड आएगा, फिर लाइव लोड आएगा, तो वो सेटल्ड होगा और ऐसे में आपका घर क्रैक हो जाएगा। तो इसका बस एक ही समाधान है, अगर ऐसा गलती हुआ है ना, जो फाउंडेशन गलती हुआ उसको जेसीबी से उखाड़िए, फेंक दीजिए अलग जगह, उसका उस पर लालच मत रखिए भाई, उसमें सरिया है फाउंडेशन का चाहे कॉलम का इतना, और कंक्रीट भी लगा है, कोई लालच नहीं। यहाँ पे जो गलती हुआ है ना, इस गलती में क्या किया है कि फाउंडेशन को हटाया और उठा करके कहीं फेंक दिया, फिर नए सेरी से एक्सप्रेशन करके फिर से नया जो है कॉलम का काम किया गया। ये तरीका अपनाइए, ये बेस्ट है, ना कि जो है फाउंडेशन को जैसे कि यहाँ पे प्रयास किया गया है लेकिन ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। फाउंडेशन कभी भी जो है जेसीबी से उठा करके, चाहे हाइड्रा से उठा करके शिफ्ट मत कीजिए। प्रोसेस मैंने बता दिया, कॉलम बनाने का प्रोसेस को लेकर उसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए जिसके ऊपर पूरा बिल्डिंग का लोड आएगा, और पीसीसी से अब यहाँ पे देखिए किस तरह कादो हो गया है, कॉलम भी टूट गया जेसीबी की वजह से, फुटिंग भी टूट जाएगा, बकेट से अगर जो है शिफ्ट करेंगे टूटेगा नहीं, तो ऐसा रिस्क ना ले, और फुटिंग टेढ़ा हो जाएगा, कॉलम टेढ़ा हो जाएगा, तो इस तरह का ना करें। उम्मीद करते हैं आप समझदार हैं और आप इस चीज को समझ गए होंगे, और अगर ये वीडियो पसंद आए जरूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब करें।
क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाए उसको क्लिक कर दीजिए, उससे बेनिफिट बस ये होता है जब जब सिविल इंजीनियर पकमार को नया डॉक्टर लेकर आएगा सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।